वीकेंड के वार पे सलमान खान ने चुम और करणवीर के बीच में जो बढ़ रहा है रिश्ता, उसके ऊपर जो है बात की है। क्या बात की है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि क्या आप लोग करणवीर और चुम के बीच में बढ़ रहे रिश्ते को पसंद कर रहे हैं? क्या चुम को आखिरकार ऐसा रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए करणवीर के साथ? देखिए, इंसान जो है कोई भी बुरा नहीं होता है। कभी कभार सिचुएशन जो है ऐसी बुरी होती हैं और उसके चलते हुए ऐसे चीज़ें बन जाती हैं कि बंदा जो है वो बुरा कहलाता है। अभी हम लोग करणवीर को देख रहे हैं। देखिए, करणवीर मुझे सीरियसली पसंद नहीं आ रहा है। वो मिट्टी का तेल है, सच में वो तिल्ली मारता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और उसके चलते हुए, उसकी संगत में रहते हुए चुम भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है कभी कभार दिखाई देती है बीच बीच में, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लड़कियों के लिए है चुम जो है वो बहुत ही बड़ी परिभाषा है। लड़कियों को जो है इतना स्ट्रेंथ एक्चुअली में जितनी स्ट्रेंथ उसमें है चुम में, वो चीज़ें सीखनी चाहिए कि आखिरकार लड़कियां जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो लड़कों के सामने भी खड़ी होना चुम तो लड़कों को भी जो है हरा सकती है। मैंने ये स्ट्रेंथ जो है वो चुम में देखी है। आई होप आप लोगों ने भी देखी होगी। हर कोई ये चीज़ जो है वो ज़रूर मानता है। सलमान खान जो है इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करते हुए वीकेंड के वार की शूटिंग में नज़र आई हैं, जो कि आप लोगों को वीकेंड के वार में दिखाया जाएगा। इनकी और तो और जो है इनकी ब्लैंकेट वाली मूवमेंट के बारे में भी बात की, और करणवीर को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला उनके फोर्थ रिलेशनशिप पे कि अभी ये तुम्हारा फोर्थ रिलेशनशिप है। दो तो मतलब कि हो चुकी है, उनके शादियां जो है टूट चुकी हैं, शायद मेरे को तीसरे रिलेशन के बारे में पता नहीं है। अब वो चौथे रिलेशनशिप में जो है अब जा रहे हैं चुम के साथ, और ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि करणवीर जो है पसंद करता है, और उसने जो है इजहार भी किया है, और चुम भी जो है वो कहीं ना कहीं करणवीर को पसंद करती है, वो भी दिखाई देता है। नहीं तो इतना ज़्यादा झुकाव जो है, इतना ज़्यादा पागलपन जो है चुम की तरफ से भी दिखाई नहीं देता अगर वो दोस्त मानती। अभी अविनाश और ईशा, अविनाश की तरफ से थोड़ा बहुत झुकाव नज़र आता है। ईशा जो है वो अपनी चीज़ों में हमेशा ही क्लियर रहती है, मज़े तो वो भी भरपूर उठाती है, पर फिर भी जो है वो क्लियर है कि नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उसी दौरान ही चुम ने जो है ये सब किए किराए पे पानी फेर दिया है। चुम ने जो है ये बात बोली है, हिंट दे दी है, बता दिया है कि जिसके साथ वो 10 साल से थी, उसके एक्स के साथ, वो इस शो के बाद जो है उसके पास वापस जाने वाली है। उसने हिंट जो है ये दी है। अब हिंट दी है कि वो वापस चली जाएगी या करणवीर के साथ रिलेशन में आगे जाएगी, वो तो भाई उसके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अभी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी ये लोग बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग रियलिटी शो देख रहे हैं, इनको 24 आवर जो है हम लोग देखते रहते हैं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो इनके ऊपर जो है बात करना हर किसी का बनता ही है। तो अभी आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि क्या चुम को करणवीर के साथ एज अ एक फैमिली के जैसा आप सोचिए कि क्या चुम को करणवीर के साथ रिलेशन में जाना चाहिए, या उसको उसी के पास वापस जाना चाहिए जिसके साथ वो इन्वेस्ट कर चुकी है 10 साल। अब तो ये कुछ महीने ही हुए हैं करणवीर के साथ, और करणवीर का जो बैकग्राउंड देखा गया है वो लड़कियों के मामले में सही नहीं है। क्या है आपका कहना, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।